क्या शहबाज शरीफ अब लंदन से वापस नहीं आएंगे? राणा तनवीर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए। नून लीग की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असेंबली ने मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, 7 मई को वतन वापस न आने का फैसला, 8 और 12 मई को तिब्बी मुआयना होगा। पाकिस्तान वापसी का इरादा डॉक्टर के मशवरे पर मुलतवी। वज़ीर आज़म ने मुल्क के चौथे बड़े महमन डैम का सके बुनियाद रख दिया, 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तकरीब में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। नून लीग का कहना है हुकूमत उनके कामों का क्रेडिट ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कबाई नौजवानों को उकसाने की साजिश हो रही है, बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही है, मुल्क आदमी नहीं सरबराह की चोरी से तबाह होता है। महमन डैम की तकरीब से खिताब, कहा NRO दिया तो कौम से गद्दारी होगी, अल्लाह से बेवफाई होगी। नैब हुकूमत का आला कार बन गया। चेयरमैन नैब की तकरीर ने हमारे खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। नैब गैर जानबदार है तो पेशावर BIT के खिलाफ तहकीकत क्यों नहीं शुरू की? मौलाबख्श चांडियो का सवाल। टमाटर 1 साल में 124% महंगे हुए। गैस की कीमत में 85% इजाफा हुआ। चीनी 22% महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए। जी चौक इस्लामाबाद में क्लर्कों का एहतजाज, कहते हैं जिस शरह से महंगाई बढ़ रही है तनख्वाहें नहीं बढ़ी, मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी बरकरार, 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट की कमी, 36,500 की सतह पर आ गया। फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क का मस्बत शख्स उजागर करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, सदर आरिफ अलवी का खिताब। विफाकी महोत्सव की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इंग्लैंड में लोकल काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, 343 काउंसिलों में से 248 पर इंतखाब, 8,425 नशिस्तों पर 25,000 उम्मीदवारों में मुकाबला।